अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और कुछ की तैयारी कर ली होगी आपने या कर रहे होंगे, तो इसलिए आज का लेक्चर जरा शॉर्ट सा है सो दैट यू कैन हैव टाइम। लास्ट लेक्चर कोई बता दे कि हमने क्या पढ़ा था। मैम कोहोर्ट स्टडी पढ़ा था। मैम कोहोर्ट स्टडी पढ़ी थी, उसके मेथड्स पढ़े थे। मेथड्स टाइप को माशाल्लाह लगता है आई एम वाचिंग अ ड्रीम, सब लोग ही बोल रहे हैं। चले रेज योर हैंड्स एंड आई विल आस्क यू वन बाय वन। ओके जस्ट ये बता दे कि व्हाट इज अ कोहोर्ट स्टडी। मैम कोहोर्ट स्टडी इज द स्टडी ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन एक्सपीरियंस like same occupation or the same age. Okay. Samia Sajjad, आप बताइए कि क्या steps होते हैं इसके cohort study के। मैम इसके बेसिकली हमारे पास फाइव मेथड है। सबसे जो पहला वो होता है सिलेक्शन ऑफ स्टडी ग्रुप, जिसमें हम लोग बेसिकली जो एक्सपोज है ना उन पर्सन को लेते हैं। सेकंड पे हमारे पास होता है ऑब्टेनिंग डेटा और एक्सपोजर, और थर्ड पे स्टेप है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ कंपैरिजन ग्रुप, जिसमें हम नॉन एक्सपोज पर्सन को लेते हैं, और फोर्थ में हमने उन पेशेंट्स को यानी कि उनको फॉलोअप पे बुलाना होता है उन सबको, और फिफ्थ में हमारे पास एनालिसिस होता है। ओके ठीक है, वेरी गुड। अच्छा आपसे जब कोई पूछे कि कोहोर्ट स्टडी को आप जरा डिफाइन करें या व्हाट इज अ कोहोर्ट स्टडी, तो उसमें आपने सिंपल कोहोर्ट को डिफाइन नहीं करना, आपने बताना है कि देयर आर टू ग्रुप्स व्हिच आर कंपेयर्ड, एक में हम एक्सपोजर देते हैं दूसरे में नहीं देते, एंड देन वी फॉलो देम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू सी के किसमें डिजीज कितनी होती है, एक्सपोज्ड ग्रुप में ज्यादा है या फिर अनएक्सपोज ग्रुप में डिजीज का इंसिडेंस ज्यादा है। तो ये लुकिंग फॉरवर्ड स्टडी या मूविंग फॉरवर्ड स्टडीज वजह से हम इसको कहते हैं, एंड वी मूव फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट। तो अब हमने जितने एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स पढ़े हैं उसमें हमने कहा था कि फर्स्ट वी डिवाइड देम इनटू ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशनल में अगेन फिर थी डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव में हमने एक हाइपोथेसिस को बनाया, एनालिटिकल में हमने उसको टेस्ट किया थ्रू कंपेरिजन, उसमें फिर केस कंट्रोल एंड कोहोर्ट नो नोट। अब जो आम बचता है दैट इज ऑफ एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। ओके फिल्दा आप ले लें क्लास इसी सेक्शन के साथ। तो अब हमारा रह गया जो आम रह गया दैट इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी आपको पता है वो होती है जिसमें आप कुछ डेलिब्रेटली चेंज करते हैं। एक चीज होती है नेचुरल, जो अपनी नेचुरल कोर्स पे चल रही होती है, जिसमें अगर आप सिर्फ कोई भी कुछ भी ना करें तो उसका क्या कोर्स होता है, दैट इज नेचुरल कोर्स। लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टडी में यू डेलिब्रेटली इंटरवीन, आप जानते बूझते नेचुरल चीजों का कोर्स चेंज करते हैं, तो इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग और विदड्रॉल ऑफ समथिंग, दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी। अब एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी आप एनिमल्स पे भी कर सकते हैं और ह्यूमंस पे भी, और इसमें आपने सारी चीजों को खुद अपने कंट्रोल में रखना है, इन्वेस्टिगेटर के कंट्रोल में है। अब कोहोर्ट स्टडी कैन ऑल्सो बी एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अगर आप कोहोर्ट स्टडी में आपने क्या करना है, अपने एक्सपोजर और डिजीज के दरमियान रिलेशन देखना है, ठीक है। तो अगर वो एक्सपोजर किसी ड्रग के टाइप में आप देखें, किसी एक्सपेरिमेंट के टाइप में देखें, तो कोहोर्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडी आप उसको कहेंगे। और अगर आप नेचुरली देख रहे हैं, कुछ जानबूझ के इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो तब वो कोहोर्ट ऑब्जर्वेशनल स्टडी होगी, अदरवाइज इट विल बी कोहोर्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडी। क्योंकि दोनों का जो मेथड है ना वो सेम है कि आपने दो ग्रुप सेलेक्ट करने हैं, एक में आपने इंटरवेंशन देनी है, एक में नहीं देनी, और फिर आपने उसका आउटकम देखना है। बट फर्क क्या है कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी में आप कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, और कोहोर्ट ऑब्जर्वेशनल में
सिंपल आप जो ऑलरेडी नेचुरली चीजें हैं आप उन्हीं को देखते हैं। तो कोहार्ट स्टडी कैन बी एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी एज वेल। तो वो आपके मेथड पे डिपेंड करता है कि आप उसको ऑब्जर्वेशनल में रखते हैं या एक्सपेरिमेंटल में। अप्रोच दोनों की सिमिलर है। अब एम्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके इसके एक्सपेरिमेंटल स्टडी के, इसमें आपने बेसिकली साइंटिफिक प्रूफ देना है। अब पहले आपने डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में एक जो हाइपोथेसिस बनाया एनालिटिकल में, फिर आपने उसको चेक किया बगैर कोई इंटरवेंशन किए। लेकिन एक्सपेरिमेंटल में आप बकायदा इंटरवेंशन करके उसको साइंटिफिकली प्रूफ करोगे, व्हाटएवर द एटियोलॉजिकल और रिस्क फैक्टर इज देयर। जब तक आप उसको साइंटिफिकली प्रूफ नहीं करते, आप उसको फर्दर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। इसी तरह जब आपने अपनी हेल्थ सर्विसेज की इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी देखनी है, तो उसमें भी आप डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल के बाद साइंटिफिकली उसको प्रूफ करने की एक्सपेरिमेंटल स्टडी जरूर परफॉर्म करेंगे। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। टाइप्स दो हैं अगेन एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी की, दीज आर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स एंड नॉन रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। अब कंट्रोल का जो वर्ड आया है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसमें हम कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। और कंट्रोल ग्रुप वह हमारा वो होता है कि जिसमें हमने कोई इंटरवेंशन नहीं ली, जिसमें हमने कोई एक्सपोजर नहीं लिया, सिंपली हमने उसको कंपैरिजन के लिए रखा है और बाकी सारे करेक्टरिस्टिक्स उसके सेम होते हैं। तो दोनों में ही कंट्रोल का मतलब यही है, दोनों में हम कंपेयर करते हैं कंट्रोल ग्रुप के साथ। एक में हम रैंडमाइजेशन करते हैं और एक में रैंडमाइजेशन नहीं करते। कौन मुझे बताना चाहेगा कि व्हाट इज रैंडमाइजेशन? बच्चे हैं तो रेंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लेती हैं, लेकिन नॉन रेंडम है आपने 1, 3, 4, 11 इस तरह समथिंग अपने फिगर्स के बाद सिलेक्ट कर। बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट है कि रैंडमाइजेशन क्या होती है। तो जब हम कंपैरिजन के लिहाज से रैंडमाइजेशन का जिक्र करें तो इसका यह मतलब होता है कि आपके दो ग्रुप्स हैं ना, एक आपका स्टडी ग्रुप है और एक आपका कंट्रोल ग्रुप है। टू ग्रुप्स के बीच में आपने कंपेयर करना है। तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आपने रैंडमली एलोकेट करना है इनटू स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप्स, ठीक है। तो आप बिल्कुल रैंडमली ही, जैसे आप नेम्स लिखो या कोई नंबरिंग करो और उसमें से रैंडमली सिलेक्ट कर लो, तो आपके जो हाफ लोग हैं वो चले जाएंगे स्टडी ग्रुप में, उनके ऊपर आपने इंटरवेंशन करनी है, और हाफ जो लोग हैं वो चले जाएंगे कंट्रोल ग्रुप में जिसमें आपने कोई इंटरवेंशन नहीं करनी। तो ये आपने अगर रैंडमली सिलेक्शन की है तो हम इसको कहेंगे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। और अगर आपने खुद ही से, मैं कहूँ कि ये जो स्टूडेंट है ये इस ग्रुप में आ जाए और ये स्टूडेंट इस ग्रुप में आ जाए, अपनी मर्जी से मैं कहूँ, तो ये नॉन रैंडमाइज ट्रायल, ठीक है। तो ये सर्चर के ऊपर है कि वो किस तरह से एलोकेशन करता है ग्रुप्स में। अगर वो बाय चांस एलोकेशन करता है तो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होगा, और अगर वो खुद से एलोकेशन करता है अपनी मर्जी से, दैट वुड बी नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। तो ये बेसिकली दोनों में जो रैंडमाइजेशन का वर्ड है इसमें और इसकी बेस पे जो डिफरेंस है वो ये है। अब हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हमारा सबसे ऑथेंटिक होता है, सबसे कॉमनली परफॉर्म होता है, नंबर वन मेथड है किसी भी नए प्रोग्राम की इवैल्यूएशन का। कोई भी नई ड्रग आती है, जब तक आप उसको काफी सारे, कोई एक भी नहीं, बहुत सारे रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल में से नहीं गुजारोगे तब तक आप उसको मार्केट में नहीं ला सकते, ठीक है। इसी तरह कोई वैक्सीन अगर आप देते हैं तो भी उसके लिए आपको मल्टीपल आरसीटीज आप करते हो, तब अगर पक्का जब प्रूफ आ जाता है कि यस इस वैक्सीन का कोई इतना साइड इफेक्ट नहीं है और ये हम इजीली दे सकते हैं, तब आप उसको मार्केट में लेके आते। तो बेसिकली सबसे बेस्ट एपिडेमियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, आरसीटी भी हम इसको कहते हैं। और इसके अंदर रैंडमाइजेशन क्यों होती है?
कि आपने इसमें दो ग्रुप्स में जो डिफाइन करना है सब्जेक्ट्स को, दैट इज प्योरली बाय चांस, कोई आपने जानते बूझते सिलेक्शन नहीं करनी, तो इसके अंदर सिलेक्शन बाइस भी मिनिमम होती है। अब ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इनकी डिटेल जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल्स हैं कि किन किन सिचुएशंस में हम आरसीडीज करते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल्स, कोई भी ड्रग का हमने देखना हो इफेक्ट, प्रिवेंटिव ट्रायल कोई वैक्सीन के बारे में अगर देखना हो, रिस्क फैक्टर्स किसी डिजीज के देखने हो, एटियोलॉजिकल एजेंट के बारे में देखना हो, सेसेशन एक्सपेरिमेंट्स का मतलब है कि अगर आपने किसी ड्रग को विथड्रॉ करना है मार्केट से, टोटली उसको बैन करना है, तो उसके लिए भी आपके पास साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए। आपको पता है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं जो उसको बना रही हैं, मार्केट में बहुत सारे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर आपने स्टॉप भी करना है किसी चीज को, तो उसके लिए भी आप प्रूफ देंगे कि इस चीज का नुकसान है, वाकई में नुकसान है, और फिर आप उसको स्टॉप कर। मैम जिस तरह जेंटिक के लिए हुआ था कि कैंसर कॉजिंग होती है, जेंटिक इसलिए नहीं लेते, इस तरह मतलब करेंगे? कौन सी ड्रग कैंसर कॉज करती है? मैम जेंटिक के बारे में सुना था स्टार्टिंग में ना, कि स्टमक के लिए ये ना ले, ये कैंसर कॉज करना शुरू कर दिया इसने ना। अच्छा, इंटरेस्टिंग, वैसे आई हैव नॉट हर्ड अबाउट इट। बहरहाल कोई भी अगर क्वेरी किसी ड्रग के बारे में यू नो बनती है, तो उसी का नाम है कि आप उस पर एक्सपेरिमेंट करो, और अगर वाकई प्रूव होता है कि ये क्वेरी है, तो आप उसको विथड्रॉ करो। अदरवाइज तो आपको पता है कि बहुत सारे र्यूमर्स होते हैं, कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी की ड्रग को कम उसकी वैल्यू करने के लिए कोई भी र्यूमर छोड़ दे, और पाकिस्तानी कौम तो स्पेशली फिर र्यूमर्स पे बिलीव करती है। जैसे अभी वैक्सीन के बारे में, कोविड की वैक्सीन के बारे में भी था कि 2 साल के अंदर अंदर सब मर जाएंगे जिनको वैक्सीन लगी है, तो ये तो 2 साल बाद ही प्रूफ होगा कि वाकई में ऐसा है कि नहीं है। बट थिंग इज दैट द पॉइंट इज दैट कि कोई भी अगर र्यूमर होता है, तो जब तक आप उसको साइंटिफिकली प्रूव ना करें, तब तक आप उसको विदड्रॉ नहीं करेंगे, स्टॉप नहीं करेंगे। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय सेसेशन एक्सपेरिमेंट्स। फिर इसी तरह हेल्थ सर्विसेज की आपने इवैल्यूएशन करनी है कि कौन सी बेटर है और कौन सी नहीं, तो उसमें भी आप आरसीटीज कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपको जस्ट आइडिया देने के लिए। अब आप आ जाए स्टेप्स पे, जो कि हम करेंगे हर मेथड का हमने प्रोटोकॉल और स्टेप पढ़ा है। तो आरसीटीज के क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले आपने एक प्रोटोकॉल बनाना है। जब भी आप कोई चीज प्लान करते हैं, आपके माइंड में कुछ प्लानिंग होती है, कोई पिक्चर होती है, जिसको हम कहते हैं ना कि कोई खाका होता है कि आपने ये काम ऐसे करना है, तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय अ प्रोटोकॉल। फिर आपने रेफरेंस पॉपुलेशन सिलेक्ट करनी है, एंड देन एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन। क्या फर्क है इनमें, ये हम देख लेंगे। रैंडमाइजेशन करेंगे, फिर आप उसके बाद आपने इंटरवेंशन करनी है, जो भी जिस चीज पे भी आप अपनी स्टडी कर रहे हैं। फिर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉलो करेंगे और हैंड पे अपनी असेसमेंट करेंगे। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं। अब ड्राइंग अप अ प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि आपके माइंड में क्या है कि आप एक स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्या आपके एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं जो कि आप आंसर करना चाहते हो। अब जो क्वेश्चंस आपने आंसर करने, वो आपके रिजल्ट्स में उनका आंसर निकलना चाहिए, ठीक है। जब भी आप कोई स्टडी करते हैं, तो आपके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद योर रिजल्ट्स। जो जो आपके ऑब्जेक्टिव थे, उनका आंसर आपके रिजल्ट में निकलना चाहिए। ये मैं आपको वैसे किसी भी रिसर्च के बारे में एक पॉइंट बता रही हूँ। तो बेसिकली क्या क्वेश्चन आपके आंसर होने चाहिए, क्या आपका स्टडी सैंपल होगा, किस बेस पे आपने उसको सिलेक्ट करना है, जितना भी आपका आगे स्टडी का डिजाइन है, उसको आपने अपने प्रोटोकॉल में डिफाइन करना है। एक दफा बन गया, दोबारा चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो इसका मकसद यही है कि कम से कम एरर हो और कम से कम बायस आए। अब इस स्टेप के ऊपर आप पायलट स्टडी कर सकते हैं। पायलट स्टडी बेसिकली एक शॉर्ट सी स्टडी होती है, बिल्कुल स्मॉल स्केल पे, और आप इसको कह लें कि ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी तो खैर होती ही है, कि एक सैंपल स्टडी है। अगर आपने एक बहुत बड़े लेवल पे लार्ज स्केल के ऊपर एक आरसीटी करना है, और आप देखना चाहते हैं कि
whether it will be successful or not, तो आप इसको बिल्कुल एक छोटे स्केल पे करके देख लें, प्रोटोकॉल के लेवल पे, तो ये आपकी पायलट स्टडी होगी. इट इज नॉट कंपल्सरी, कुछ लोग ये करते हैं कुछ नहीं करते, दैट इज यू नो नॉट मैंडेटरी. अब आपने अपना प्रोटोकॉल बना लिया, आपके सारे डिसीजन हो गए कि आपने क्या क्या करना है. अब आप सिलेक्ट करेंगे रेफरेंस पॉपुलेशन. रेफरेंस पॉपुलेशन क्या है कि आपकी स्टडी के जो रिजल्ट्स निकलेंगे, चाहे वो बेनिफिशियल है चाहे वो डेंजरस है, यू नो, तो उन रिजल्ट्स को कितने किन लोगों के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, या जो रिजल्ट्स निकले हैं उसका फायदा या नुकसान किन लोगों को होगा, दैट इज योर रेफरेंस पॉपुलेशन. इसकी बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है कि अगर आप एक ऐसे ड्रग को चेक कर रहे हैं जो कि आपने देखना है उसका इफेक्ट कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में ये ड्रग बेबी को हार्म करती है कि नहीं, ठीक है, और आपका रिजल्ट निकला कि नहीं ये हार्म नहीं करती, आप इसको दे सकते हैं. अब आप मुझे ये बताएं कि वो ड्रग आपने मार्केट में जब आ गई, अब आप वो किन लोगों को देंगे? मैम मोस्टली प्रेग्नेंट के लिए यूज होगा ना, क्योंकि वो इनफर्टाइल लोगों में ही देंगे. सिर्फ आपने प्रेग्नेंट फीमेल को ही वो ड्रग यूज करवानी होगी, या इन अदर वर्ड्स सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज ही वो ड्रग यूज करेंगी क्योंकि वो पहले नहीं करती थी, नहीं पता था कि इसका क्या इफेक्ट है बेबी पे, बट अब करेंगी, ठीक है. मेल्स वो ड्रग क्यों यूज करेंगे, उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है. बच्चे वो क्यों यूज करेंगे, उनका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है. तो ये इस ड्रग का इफेक्ट किस पे आया, प्रेग्नेंट फीमेल पॉपुलेशन, तो ये आपकी रेफरेंस पॉपुलेशन. इसी तरह अगर आप जर्नली, अब आप कोविड की वैक्सीन को ले लें, कोविड की वैक्सीन सबको लगनी है, ठीक है, अब 19 ईयर्स तक के भी लोगों को लग रही है, ठीक है, टीनएजर्स के बाद से सबको लग रही है, और जब सबको लग जाएगी तो उसके बाद बच्चों को भी लगेगी. तो क्या रेफरेंस पॉपुलेशन हुई इसकी, जर्नल पॉपुलेशन. इसमें कोई फर्क नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, या प्रेग्नेंट है या बच्चा है, या एल्डरली है, या उसको कोरोनरी हार्ट डिजीज है, या उसको डायबिटीज है, या हाइपरटेंशन है, इन सब चीजों का कोई भी फर्क नहीं है. कोविड वैक्सीन लगेगी जर्नल पॉपुलेशन में, तो ये जर्नल पॉपुलेशन इज योर रेफरेंस पॉपुलेशन इन दिस केस, ठीक है. इसी तरह अगर मैं UMT के पूरे स्टूडेंट्स के ऊपर कोई, मैं कहती हूँ कि मैंने पता चलाना है कि एग्जाम्स आप ऑनलाइन देना चाहते हैं या ऑन कैंपस, ठीक है. अभी एक्सपेरिमेंटल स्टडी नहीं है, मैं आपको जस्ट समझाने की बात कर रही हूँ कि मैंने ये पता लगाना है कि वेदर यू वॉन्ट टू गिव एग्जाम्स ऑनलाइन या ऑन कैंपस. अब जो डिसीजन होगा कि एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे या ऑन कैंपस होंगे, वो डिसीजन किस पे अप्लाई होगा, UMT के स्टूडेंट्स पे, सिर्फ सारे स्टूडेंट्स पे, UMT के सारे स्टूडेंट्स पे, रिगार्डलेस के वो स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज के हैं या वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के या वो फिजिक्स के या केमिस्ट्री के, व्हाटएवर. तो ये रेफरेंस पॉपुलेशन हो गई मेरी UMT स्टूडेंट्स. आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा. अब उसके बाद इस रेफरेंस पॉपुलेशन के अंदर से मैंने सेलेक्ट करनी है अपनी एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन, क्योंकि मैं सारी रेफरेंस पॉपुलेशन पे स्टडी नहीं कर सकती, तो मैं सैम्पलिंग करूंगी और मैं रैंडमली सिलेक्ट कर लूंगी अपनी वो पॉपुलेशन जिसपे मैंने स्टडी परफॉर्म करनी है, जो एक्चुअली मेरी स्टडी में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो कहलाएगी मेरी रेफरेंस पॉपुलेशन, सॉरी एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन, ठीक है. तो आपने रेफरेंस पॉपुलेशन में से रैंडमली सैम्पलिंग करके एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन सिलेक्ट कर, जैसे अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दी है, मैं रजिस्ट्रार ऑफिस जाऊं और उसको मैं कहूं कि मुझे सारे UMT स्टूडेंट्स ऑल ओवर जितने भी हैं, वो थाउजेंड्स में होंगे, मुझे उनका डेटा दे दो, ठीक है. उन्होंने मुझे नेम और आईडीज दे दी. अब मैंने इसमें से रेंडमली, रिगार्डलेस के वो किस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो किस सेमिस्टर के हैं, किस बैच के हैं,
मैंने रैंडमली पर्चियां डाली और या मैंने बैलेट किया व्हाटएवर किया, मैं उनमें से 500 स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेती हूँ। अब ये जो 500 मैंने सिलेक्ट किए हैं, ये मेरी एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये मैंने दोनों पॉपुलेशन अपनी सिलेक्ट कर ली। अब जो मैंने सिलेक्शन करनी है उनका भी कुछ क्राइटेरिया है, और वो क्या है कि मैंने सबसे पहले तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है जिन भी 500 लोगों को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है परमिशन लेना। इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या है कि आपने बिठा के पार्टिसिपेंट को, आपने उसको बताना है कि मैंने इस तरह से स्टडी करनी है, ये मैंने ड्रग यूज करनी है, इसका ये साइड इफेक्ट हो सकता है, प्रीवियस स्टडीज की बेस पे ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये इसका फायदा हो सकता है, और अगर मेरी स्टडी सक्सेसफुल हो गई तो इसका फायदा इन सारे लोगों को होगा। इसमें फिर आपने अपनी रेफरेंस पॉपुलेशन के लिहाज से बताना है कि सब लोगों को होगा या इस पर्टिकुलर ग्रुप को होगा। तो क्या आप इजाजत देते हैं सारी बातों को माइंड में रखते हुए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप इस स्टडी में? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। सिर्फ पकड़ लेना और कह देना क्या हो भाई तुमने मेरी स्टडी में पार्टिसिपेट करना है, तो दिस इज नॉट इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट आपकी होनी चाहिए पार्टिसिपेंट को। उसके बाद जो भी आपने अपनी एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन ली है, दैट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर रेफरेंस पॉपुलेशन। तो वो रिप्रेजेंटेटिव होगी अगर आप उसको रैंडमली रेफरेंस पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करोगे। एलिजिबल होना चाहिए, बहुत कोई बीमार ना हो, ठीक है, कोई किसी को कोई जेन्युइन प्रॉब्लम ना हो कि वो उस स्टडी में पार्टिसिपेट ना कर सके, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपने मीट करने। अब आपने अपनी रेफरेंस पॉपुलेशन भी सिलेक्ट कर ली, एक्सपेरिमेंटल भी उसमें से ले ली। अब एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन जिसने आपकी स्टडी में पार्टिसिपेट करना है, इसको अब आपने टू ग्रुप्स में डिफाइन करना है, स्टडी ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। अब आपने जो ये जो एलोकेशन करनी है, इट विल बी थ्रू रैंडमाइजेशन, और यही मतलब है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल का। यहाँ पे जो आप रैंडमाइजेशन करके लोगों को स्टडी और कंट्रोल ग्रुप में डिफाइन कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रैंडमाइजेशन। अब आपके पार्टिसिपेंट्स को नहीं पता, आपको नहीं पता कि कौन सा स्टूडेंट या कौन सा पार्टिसिपेंट किस ग्रुप में जाएगा, ठीक है। आपने उनकी प्योरली बाय चांस उनको डिवाइड करना है दो स्टडी ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रैंडमाइजेशन। अब आपने जो भी इंटरवेंशन अपनी देनी है वो आप स्टडी ग्रुप में दे दोगे, कोई आप ऐड कर सकते हो या फिर आपने कोई चीज विथड्रॉ करनी है, यानी दोनों तरह से ये हो सकती है। वो आपने स्टडी ग्रुप को मैनिपुलेट कर लिया और अपने कंट्रोल ग्रुप को आपने नहीं किया, लेकिन वो ये सोचेंगे कि वो स्टडी ग्रुप में है। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्लेसिबो का वर्ड सुना होगा कि आपने एक अगर ड्रग को चेक करना है, ठीक है, तो आप उसके साथ एक बिल्कुल ऐसा केमिकल डाल के एक और ड्रग बनाएंगे कि जिसका ना तो फायदा है ना नुकसान। सिंपल आप सोडियम क्लोराइड रख लें, सिंपल आप कोई भी केमिकल रख लें, ठीक है, कि जो पेशेंट ये समझे कि ये मुझे स्टडी ग्रुप की ही ट्रायल की ही मेडिसिन दी जा रही है, लेकिन एक्चुअली वो ट्रायल की मेडिसिन नहीं है, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके से लोगों में बायस ना हो। तो आपने अपने स्टडी ग्रुप को ड्रग दे दी और आपने अपने कंट्रोल ग्रुप को प्लेसिबो दे दिया, ठीक है। अब आपने इंटरवेंशन हो गई आपकी। अब आप जैसे कोहार्ट स्टडी में फॉलोअप करते थे, आप दोनों ग्रुप्स को डिफाइंड इंटरवल्स पे बुलाएंगे जितना भी आपका स्टडी का ड्यूरेशन है, और आप उनको फॉलो करेंगे। एंड पे आपने असेसमेंट जब कर ली, जो भी आपकी आउटकम आई उसको आपने असेस किया। अब आपकी आउटकम टू वेज में हो सकती है, या तो जो भी आपने इंटरवेंशन की थी उसका फायदा हुआ, लोगों में डिजीज कम हो गई, या सेवेरिटी ऑफ डिजीज कम हो गई, यानी कि आपने कैसे ड्रग यूज की जिसकी वजह से डिजीज का इंसिडेंस और सेवेरिटी कम हो गई, तो ये आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया।
अब ऑपोजिट भी हो सकता है कि जो ड्रग आपने यूज की है उसका कोई फायदा नहीं हुआ, डिजीज कम नहीं हुई, बल्कि उल्टा उस ड्रग के साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस। तो ये आपका हो गया नेगेटिव रिजल्ट। तो आपका माइंड आपका ओपन होना चाहिए एट द स्टार्ट ऑफ द स्टडी, बिकॉज दोनों तरह से रिजल्ट आ सकते हैं, फायदामंद भी हो सकते हैं और नुकसानदेह भी। ठीक है, तो ये आपका एंड पे असेसमेंट आपने कर ली। अब डिसएडवांटेजेस कुछ हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी के, होते हमेशा कॉस्टली होती है, एथिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर नुकसान हो जाए, नॉन फिजिबिलिटी, जाहिर है कि लोग इतनी आसानी से इसमें पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते, हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि हम पे एक्सपेरिमेंट हो, या अगर किसी चीज का फायदा नहीं पता तो हम में से कोई भी उस चीज को यूज करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको? रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल समझ आ गया सारा? रेफरेंस पॉपुलेशन क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल क्या होती है, रैंडमाइजेशन का क्या मतलब है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले। ओके, अब हम सेकंड टाइप पे चलते हैं, विच इज नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल्स। अब नॉन रैंडमाइज्ड ट्रायल्स करना आसान है, लेकिन हमेशा इसको यू नो अप्लाई करना इजी नहीं होता। ठीक है, अब नॉन रैंडमाइज का मतलब ये कि अपनी इजीनेस के मुताबिक मैंने लोगों को कंट्रोल और स्टडी ग्रुप में डिवाइड किए। ठीक है, अपनी आसानी के लिए मैंने रैंडमाइजेशन नहीं की, बल्कि अपनी मर्जी से स्टडी ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप को किया डिवाइड। तो अब इसमें डिस्क्रिपेंसी तो आ जाती है, इसी वजह से ये बहुत अच्छा इसका रिजल्ट नहीं आता, और ना ही हम कोई अगर ड्रग हम अगर यूज करें तो उसमें फिर हम इसको एथिकली इट इज नॉट करेक्ट कि मैं इसमें कुछ लोगों को अपनी मर्जी से ड्रग दे दूं जिनसे मेरी दुश्मनी है और कुछ को मैं ना। ठीक है, सिर्फ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स हैं, स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं जिनमें हम नॉन रैंडमाइज ट्रायल्स करते हैं, और वो क्या है? नंबर वन तो है अनकंट्रोल्ड ट्रायल। अब कंट्रोल का मैंने आपको मतलब बताया, कंट्रोल ग्रुप का मतलब ये है कि आप एक कंपैरिजन ग्रुप रखते हैं। अनकंट्रोल्ड ट्रायल का मतलब है कि आपका कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं है, आप कंपेयर नहीं कर रहे, आपने सिंपल एक ग्रुप सिलेक्ट किया। ठीक है, और उस सारे ग्रुप को आपने एक ड्रग दे दी, अब आपने उसका फॉलो किया, उसको उसका रिजल्ट देखा ड्रग का, और आपने अपना रिजल्ट दे दिया। देयर इज नो कंपैरिजन ग्रुप, तो कोई रैंडम, जब आपने डिवीजन ही नहीं करनी दो ग्रुप्स में तो जाहिर है कि रैंडमाइजेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सिंपल आपने जितना भी आपका रेफरेंस वो एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन है उन सबको ही आपने एक ड्रग दे दी, कंट्रोल ग्रुप इसमें नहीं है। तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय अनकंट्रोल्ड ट्रायल्स। फिर नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स, अगर कोई नेचर के ऊपर नेचुरली चीजें चल रही हैं और इसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे यू नो नेशनल ज्योग्राफिक पे आप डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं वाइल्ड लाइफ की, कि उसमें नेचुरली कोई अगर एनिमल दूसरे एनिमल पे अटैक कर रहा है और आप जाके उसको इंटरवेंट करते हो, ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो भी नॉन रैंडमाइज होते हैं, उसमें आप रैंडमली एलोकेशन नहीं करते, ना कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आपने देखना है कि सी में या जो वाटर लाइफ है, अंडर वाटर लाइफ है, उसमें एक पोल्यूशन की वजह से क्या इफेक्ट आ रहे हैं अंडर लाइफ पे, जैसे फिश है या वेल्स हैं या शार्क्स हैं या और जो तरह के सी एनिमल्स होते हैं उन पे क्या इफेक्ट आ रहा है एक वाटर पोल्यूशन का, वो आप देखना चाहते हो, तो उसमें भी आप ये भी हम नॉन रैंडमाइज ट्रायल्स करते हैं। जाहिर है कि अब आपने फिश को तो नहीं करना सिलेक्शन के ये इसमें ये इंटरवेंशन होगी और इसमें नहीं होगी, एनिमल्स को तो आप नहीं कर सकते एलोकेशन इस तरह। फिर थर्ड इसमें जो सिचुएशन आती है दैट इज इन बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन। अब बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन का क्या मतलब है? कि आपने एक ड्रग सिलेक्ट की, पहले आपने स्टडी करना है दो ग्रुप्स को कंपेयर करना है विदाउट गिविंग दैट ड्रग, आपने दो ग्रुप्स के दरमियान करनी है स्टडी,
कंपेयर करना है उनको बट विदाउट गिविंग दैट ड्रग. उसके बाद आप सेम ग्रुप को सेम लोगों को ड्रग देंगे और फिर आप उनको कंपेयर करेंगे. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन. इसमें होता है कि बिफोर एंड आफ्टर द इंटरवेंशन आपने कंपेयर करनी है. एक आपने स्टडी करनी है जिसमें अभी इंटरवेंशन नहीं दी और फिर आपने स्टडी करनी है इंटरवेंशन देने के बाद. तो दिस इज कॉल्ड बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रेंडमाइज ट्रायल. ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी. यहाँ तक दो टाइप्स खत्म हो गई. इधर कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. वेरी नाइस जी, किसने हाथ खड़ा किया पूछे? राबिया, राबिया यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? नो मैम, गलती से खड़ा हो गया था. सो अब आपने एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी पढ़ ली, ऑब्जर्वेशनल भी आप पढ़ चुके हैं. Now, if you compare both of them, तो क्या क्या differences निकल सकते हैं? Observational में आपने कोई intervention नहीं करनी, nature को अपना काम करने देंगे. Experimental में आपने intervention करनी है जानबूझ के. Observational में हम simply उन लोगों को observe करेंगे जो कि already कोई drug ले रहे हैं, लेकिन experimental में हम जानते बूझते कोई drug देंगे. ऑब्जर्वेशनल एथिकल है, प्रैक्टिकल है. एक्सपेरिमेंटल में एथिकल इशूज आ सकते हैं और बाजुकात इट कैन बी इम्प्रैक्टिकल कि आप इसको परफॉर्म नहीं कर सकते. फिर ऑब्जर्वेशनल जाहिर है कि एक्सपेंसिव नहीं है, इसमें आपने कोई इंटरवेंशन नहीं करनी. एक्सपेरिमेंटल कैन बी एक्सपेंसिव. तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन टू. इसी तरह आई विल सजेस्ट कि आप अपना एक कंपेरिजन टेबल बना लें बिटवीन केस कंट्रोल एंड कोहार्ट स्टडी. वो मैंने दोनों आपको पढ़ाई थी बट उसमें हमने उनके डिफरेंसेस एज सच मैंने लेक्चर में टेबुलेटेड फॉर्म में नहीं दिए हुए, बट आपको एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन कि आप केस कंट्रोल और कोहार्ट को कंपेयर करें. तो इसमें मेरा ख्याल है कि आपकी बुक्स में भी है ये, बल्कि ख्याल नहीं है, डेफिनेटली आप बुक से भी हेल्प ले सकते हैं और आप खुद जरा अपने नन्हे मुन्ने दिमाग पे जोर डाल के पॉइंट्स लिख के इनको दोनों को कंपेयर कर सकते हैं. तो ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि आपको एग्जाम में आ सकता है. अगर आपने पहले से ही एक्सरसाइज की होगी तो एग्जाम में आपको आसानी रहेगी. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लेक्चर खत्म करते हैं. कोई हिसाब का कल 8 o'clock है. आप जब LMS अपना खोलेंगे तो उसमें 2 files हैं, एक LMS क्विज है, ठीक है, और एक आपका LMS बेस्ड क्विज है जिसमें आपकी डिटेल्स लिखी हुई है कि कितने बजे है, कितने MCQs हैं और कब क्लोज होगा, और एक आपका सिंपल क्विज होगा जिसमें आपने एक्चुअली अटेम्प्ट करना है. ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक. अच्छा पढ़ें, बहुत इजी है. MCQs हैं सिर्फ, अगर आपने अपना दिमाग आगे रख के पढ़ा होगा अंडरस्टैंडिंग से तो यू विल स्कोर गुड. ठीक है मैम, मैम जब क्विज की टाइमिंग अगर खत्म हो जाती है और तब अगर हम सबमिट नहीं करवा पाते तो वो ऑटो सबमिट हो जाएगा? बेटा वैसे मैंने उसमें ना जो आपका अटेम्प्ट टाइम है वो कम है, लेकिन जो क्लोजर टाइम है क्विज का वो उससे थोड़ा सा ज्यादा है. तो आप अटेम्प्ट करने के बाद कर सकते हो और ऑटो सबमिशन भी आई विल कंफर्म इट वैसे होती है. शॉर्ट क्वेश्चंस के मुकाबले में तो उसमें तो फिर नेविगेशन ही ना होती कि आपको कोई ग्रुप में की चल रही है आंसर्स की और आप फिर पीछे जाके उसको करेक्ट कर लो, तो ऐसा तो नहीं होता ना. आप छोड़ते जाओ और एंड पे पूछ के उसको सॉल्व कर ले, ऐसा भी नहीं हो सकता. ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? यस मैम, 40 minutes तक ही होगा ना क्विज? व्हाट, 40 minutes देंगी ना 30 MCQs के लिए?
40 मिनट से। आपने भी कहा है कि वो आप टाइम ज्यादा रखेंगी उसको क्लोज होने तक, मतलब आप एक दफा जब ओपन कर लेंगे तो 40 मिनट्स में आपने उसको अटेम्प्ट करना है। चलिए ठीक है, ठीक समझ आ गई, थैंक यू मैम। मैम जी, मैम जो लास्ट हमारा लेक्चर 9 था उसमें एंड पे क्लास एक्टिविटी थी, उसमें हमारे पास अगर हमने जैसे 2x2 का टेबल बनाना हो तो उसमें हमारे पास जो 3000 और 5000 उन्होंने टोटल दिए हुए थे हमें स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स, तो वो हमारा ए प्लस बी और सी प्लस डी होगा ना, इसमें जो नॉट डेवलप्ड क्रॉनिक हार्ट डिजीजेज होंगी वो तो नहीं हमें दी गई ना, तो वो हमारे टोटल होगा वो टोटल नंबर ऑफ स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स, और उसमें से फिर आपने खुद देखना है कि कितने लोगों में डिजीज हुई और कितनों में नहीं। मैम अगर इंसिडेंस वाला होगा तो फॉर्मूला वही होगा ना, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। हाँ जी, इंसिडेंस जब आप देखते हैं तो इंसिडेंस आप देखते हैं अमंग स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स, तो बिल्कुल आपका यही फॉर्मूला होगा। यस मैम, और अगर इसका आंसर मैम हमारे पास जो हमने जो की थी इसमें एग्जांपल लिखी थी उसमें हमारे पास आंसर जो था वो ऐसे आ रहा था कि 1000 में से 10 को होगा और 1000 में से 1 को होगा, इस तरह करके आ रहा था, लेकिन इसको सॉल्व करने के बाद आंसर जो था वो फ्रैक्शंस में आ रहा था, 0. समथिंग में इस तरह आंसर आ रहा था, तो कोई इशू तो नहीं होगा उसका? बेटा वो तो डिपेंड करता है ना कि आपका आपकी वैल्यूज क्या है। बिल्कुल यस मैम, उसकी वजह से हाँ, तो आपका आंसर फ्रैक्शन में भी आ सकता है। फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए ही मल्टीप्लायर रखा गया है। अगर आपका आंसर 0.1 आ रहा है ना, आपने 100 से उसको मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आ रहा है 0.1, तो आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन फिर आपने उसको बताना है 1 per 1000। और अगर आपका आंसर 0.1 आ रहा है 100 से मल्टीप्लाई करके, तो आपने बताना है 0.1 per 100। ठीक है, समझ आई? यस मैम, यस मैम। दैट डिपेंड्स कि आपका मल्टीप्लायर क्या है और आपका रिजल्ट क्या आता है। अगर तो आपने फ्रैक्शन में पॉइंट्स में बताना है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप पॉइंट्स में ना बताएं तो यू कैन मल्टीप्लाई इट विद 1000, और अगर 1 आ गया आंसर 1. समथिंग तो यू कैन से 1. समथिंग पर 1000। यस मैम, ओके मैम, थैंक यू। ओके आई गेस और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।